नमस्कार, साहित्य तज्ञ बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं असहमतियों के वैभव के कवि श्री प्रकाश शुक्ल इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह आलोचना पुस्तक है जिसका संपादन कमलेश वर्मा और सुचिता वर्मा ने किया है। पहले मैं संपादकों के बारे में बता दूं, चूँकि श्री प्रकाश शुक्ल के कविता पर आलोचना की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट पुस्तक है, इसलिए उनके बारे में तो बात होगी ही। लेकिन संपादक द्वय जो हैं, कमलेश वर्मा जो है वो राजकीय महिला महाविद्यालय सेवापुरी वाराणसी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य से ही एमए एमफिल और पीएचडी की उपाधि हासिल की और काव्य भाषा और नागार्जुन की कविता जाति के प्रश्न पर कबीर निराला काव्यकोश निराला शब्दकोश इन कृतियों उनकी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। सुचिता वर्मा जो है वह राजकीय महिला महाविद्यालय औराई जो भदोही में है उसकी अध्यक्ष और वहां सहायक प्राध्यापक हैं हिंदी विभाग में। आपने भी एमए एमफिल और पीएचडी की उपाधि जेएनयू से हासिल की है और इनकी पुस्तक नव रोमानियत और यथार्थ प्रकाशित हो चुकी है। यह पुस्तक श्री प्रकाश शुक्ल जो 1990 के बाद जिन कवियों ने हिंदी कविता के आंगन में दस्तक दी उसमें अग्रणी कवि के तौर पर स्थापित होते हैं। लगभग 30 वर्षीय यात्रा में उन्होंने आलोचना संस्मरण यात्रा संस्मरण यात्रा वृतांत के अलावा मूल रूप से जो अपनी पहचान बनाई है वह कवि के रूप में बनाई है। खास बात उनकी कविता का जो वितान है जो क्षेत्र है उसमें प्रकृति के उपादान तो हैं ही, सामाजिक और सामूहिक चेतना भी दिखाई देती है। खास बात यह कि इस सामूहिक चेतना के दौरान वह केवल एक दृष्टि नहीं रखते, वो कोई क्रांति का उद्घोष नहीं करते हैं अपनी कविताओं में, बल्कि अपने समय के क्रूर यथार्थ को रखते हैं जिसमें क्षरण है, जिसमें विसंगतियां हैं, जिसमें स्वार्थ है, जिसमें लालच है और जिसमें एक दूसरे को गिराने की कोशिशें हैं। यही बात उनको महत्वपूर्ण बना, अपने समय को जस का तस अपनी कविताओं में अपने लेखन में रच देना रख देना किसी भी कवि के लिए सबसे बड़ी बात। इस पुस्तक की दूसरी खास बात यह है कि यह पुस्तक श्री प्रकाश शुक्ल के रचना कर्म पर अलग अलग दृष्टियों अलग अलग कालखंडों के रचनाकारों का मत लेती है, प्राध्यापकों का मत लेती है, छात्रों का मत लेती है, आलोचकों का मत लेती है, उनके समकालीन कवियों और साहित्यकारों का भी मत लेती है। जैसे एक लंबी भूमिका है असहमतियों के वैभव के कवि में, संपादक द्वय ने इस बात को रखा है कि कमलेश वर्मा ने लिखा है कि आखिर उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ल पर इस पुस्तक को क्यों रचा और क्यों संपादित करने की कोशिश, उनके जीवन की बात क्यों की। और यहाँ पर वो बताते हैं कि इसकी विधा क्या थी, किन लोगों के लेख इसके लिए मांगे गए। अग्रज मत में उन्होंने अरुण कमल, राजेश जोशी, मदन कश्यप और ए अरविंद दाक्षण का लेख लिया है। इसके अलावा काव्य लोक में वो सूरज पालीवाल और अरविंद त्रिपाठी का आलेख लेते हैं। और ये सारे लेखक जैसे अरुण कमल लिखते हैं कि वह भाषा में कवि हैं, राजेश जोशी कहते हैं कि बहुत मृत्यु बहुत जीवन की शुरुआत है उनकी कविताओं में, मदन कश्यप का कहना है कि नदी की करुणा है रेत, और अरविंद दाक्षण कहते हैं कि समय की सांवली सच्चाइयां। अब ये सारे लोग क्या लिख रहे हैं उसके लिए आपको ये किताब खरीदनी पड़ेगी। सूरज परिवाल कहते हैं कि अपने परिवेश और परिवार से जुड़े हुए सघन कविताएं हैं, इसी तरह से अरविंद त्रिपाठी।
असहमतियों का जो वैभव है उसमें सुभाष राय, कर्मानंद आर्य, आशीष कुमार, जगन्नाथ दुबे, शिव कुमार यादव, शैलेंद्र कुमार शुक्ल और गोलेंद्र पटेल के लेख हैं। गाजीपुर बनारस का काव्य पुरुष जो है वह कमलेश वर्मा और गौरव भारती दर्ज करते हैं, तो कविता का जो स्त्री पक्ष है यानी श्री प्रकाश शुक्ल की कविताओं का जो स्त्री पक्ष है उसमें अरुण होता, मनीषा झा और अनिल पांडे के लेख। प्रतिरोध का स्वर जो इनकी कविताओं में मिलता है उस पर विंध्याचल यादव और विकास कुमार यादव के आलेख हैं, तो शब्द सौंदर्य जो है वह अरुण कुमार और निशांत देखते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय इसमें है वह है परिचय का, जिसे कुमार मंगलम ने दर्ज किया है। श्री प्रकाश शुक्ल की जो बतौर कवि जिस तरह से उनका उद्भव होता है, कहाँ वह पैदा हुए, कहाँ उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, किस तरह से सिविल सेवा का उनके ऊपर दबाव था, किस तरह से वो सिविल सेवा में चयनित हो गए थे, वहाँ से छोड़ के किस तरह से वो प्राध्यापन के लेखन के क्षेत्र में आए, वहाँ भी उन्होंने जब लिखना शुरू किया, एक साइंस का विद्यार्थी, घर से दबाव, वहाँ जब लिखना शुरू किया तो कविताओं की तरफ किस तरह से उन्मुख हुए। इसके अलावा कृति से साक्षात्कार में उनकी जो कृतियाँ हैं उन पर जिनके लेख हैं उनमें पी रवि, कमलेश वर्मा, सुचिता वर्मा और विंध्याचला यादव लेख है। फिर बोली बात में जिन लोगों ने साक्षात्कार किया है, जिन लोगों ने बातचीत की है श्री प्रकाश शुक्ल से, उनकी बातचीत यहाँ पे संकलित है इस पुस्तक में। अनिल पांडे, निशांत, मधु सिंह, आनंद गुप्ता और अशोक कुमार सब्बरवाल, इन लोगों ने जो साक्षात्कार किया उनके हैं। इसके अलावा तुलसी बाबा, भाषा मैंने सीखी, अमरजीत राम, कुमार मंगलम रणबीर, गोलेंद्र पटेल, कविता में कवि की याद कैसे है वह इसके अंदर शामिल है, और जो अपने आप में इस पुस्तक को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। जैसे मैं इस पुस्तक के बारे में क्या कुछ करना चाहते हैं, श्री प्रकाश शुक्ल की अगर आपने कविताएं पढ़ी हैं तो आपको मेरी बात ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। किसी लेखक के बारे में अगर कोई आलोचना पुस्तक आती है तो बिना उस लेखक के जाने आप उस पुस्तक के मर्म को नहीं समझ सकते। वैसे भी आलोचना पुस्तकें शोधार्थियों के लिए होती हैं, प्राध्यापकों के लिए होती हैं, जिज्ञासुओं के लिए होती हैं, जो अपने प्रिय कवि, लेखक, रचना कार को, उसके संसार को, उसके सृजन कर्म को समझना चाहते हैं। तो अगर श्री प्रकाश शुक्ल के रचना कर्म को समझना चाहते हैं, क्यों असहमतियों के वैभव के कवि उनको कहा गया है, कोई कवि बिना किसी क्रांति के कैसे कुछ सर्ज सकता है, अगर उसको समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। मैं एक कविता जो 5/7/2021 को लिखी गई थी और संभवतः गोलेंद्र पटेल ने इस कविता को श्री प्रकाश शुक्ल के लिए लिखी है। कविता के लिए अज्ञे आकाश से शब्द उठाते हैं, केदारनाथ धूल से, श्री प्रकाश शुक्ल रेत से। पहला निर्वात है, कह नहीं सकता, ताकना तुम तर्क की तह में सत्य दिखेगा। दूसरा गुलाब है, गंध आ रही है नाक में। तीसरा नदी है जिसमें एक नाव है जो औंधे मुंह लेटी है, लेटी पड़ी है। अब आप समझ सकते हैं कि इस एक कविता में, कविता की जमीन में किस तरह से गोलेंद्र पटेल ने श्री प्रकाश शुक्ल के सृजन कर्म को रखने की कोशिश की है। इस तरह की कविताएं भी हैं। तो अगर आप अपने समय के एक महत्वपूर्ण कवि, लेखक के रचना कर्म को, उसके जीवन कर्म को, उसके वैभव को समझना चाहते हैं, उसके शब्द संसार को समझने चाहते हैं, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। 28 की उम्र में उन्होंने लेखन की शुरुआत की थी, जो एक तरह से देर से शुरू हुई है, और जिस तरह का वितान और बिंब वह रचते हैं उसमें उनका समय यानी 2024 तक की बातें हैं। उनमें बनारस भी दर्ज है, गाजीपुर भी दर्ज है, बनारस का वह बदलाव दर्ज है जिस पर कोई नज़र नहीं डालना चाहता, किस तरह से आधुनिकता उस शहर को नष्ट कर रही है, उसकी पौराणिकता को, उसकी संस्कृति को, वहाँ के जनजीवन को, उस पर बिना किसी विद्रोह के, बिना किसी चित्कार के, बिना किसी
नारे और फतवे के श्री प्रकाश शुक्ल क्या कुछ कहते हैं। एक कवि की दृष्टि जो है किस तरह से गंगा को देखती है, किस तरह से घाटों को देखती है, वह भी इस पुस्तक को पढ़ने से समझ में आता है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं वाग्देवी प्रकाशन। मूल्य इस पुस्तक का 600 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 424। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के सभी जिज्ञासुओं के लिए, रचनाकारों के लिए, शोधार्थियों के लिए, छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। स्नातक स्नातकोत्तर के छात्र हैं तो भी आप खरीद सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुँचूँ ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।